मूवी शुरू होती है तो हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। उनमें से एक लड़का है जिसका नाम एलेक्स होता है। उसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके आसपास की चीजें उससे कुछ कहना चाहती हैं। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था और जिस सिंगर का वह सॉन्ग था वह भी प्लेन एक्सप्लोड होने की वजह से मरा था, लेकिन फिर भी वह प्लेन में चढ़ जाता है। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठता है तभी वहां दो लड़कियां आ जाती हैं और उससे सीट एक्सचेंज करने को कहती हैं। वो अपनी सीट एक्सचेंज करके अपने दोस्त टोड के पास आ जाता है। उस सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट की कॉलपिन टूटी हुई है। उसे बहुत अजीब लगता है। वह प्लेन से उतरना चाहता था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से प्लेन में कोई खराबी आ जाती है। यह देखकर सभी यात्री डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड खुल जाती है और लोग बाहर गिरने लग जाते हैं। उसी वक्त प्लेन में आग लग जाती है और एलेक्स सहित सभी लोग उसमें जल जाते हैं। तभी एलेक्स की जाग जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। वह बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसके साथ वही दो लड़कियां हकीकत में भी उससे सीट एक्सचेंज करने को बोलती है। तभी वह अपने दोस्त टोड की सीट के पास जाता है। वहां जाकर वो सामने वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है और वो सच में टूटी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जो कि उसने सपने में देखा था। एलेक्स सबको बताते हुए कहता है कि प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और उसका दोस्त कार्टर उससे लड़ने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है। उन्हीं के साथ उसके सारे फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं। उसके बाद एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने सच में प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा था, जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था। तभी प्लेन टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। सभी लोग एलेक्स को हैरानी के साथ देखने लगते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव्स उनसे पूछताछ करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें एलेक्स पर शक था क्योंकि उसने प्लेन उड़ने से पहले जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। लेकिन वो डिटेक्टिव्स उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। तभी उन सभी के घर वाले उन्हें वहां से ले जाते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 दिनों के बाद एक कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि उस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। सभी लोग एलेक्स से नफरत करने लगते हैं और उससे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन उसकी दोस्त क्लेयर को ही लगता है कि उसने उन लोगों की जान बचाई। वो लोग खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे कि उन्होंने डेथ को चीट कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर एलेक्स अपने घर में होता है, तभी वहां पर एक उल्लू आकर बैठ जाता है। वो उसे भगाने के लिए उसकी तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है। वो पेपर वहां पर एक फैन में जाकर लगता है जिसके उसके टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा उसकी तरफ आता है जिसमें उसके दोस्त टोड का नाम लिखा होता है। फिर हमें टोड दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होता है। उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसकी गर्दन से एक तार लिपट जाती है। टोड खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन लास्ट में मर जाता है। एलेक्स टोड के घर पहुंचता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। टोड के घर वाले समझ रहे थे कि टोड ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाता है कि टोड ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है। उसे लगता है कि टोड ने सुसाइड नहीं किया, इसीलिए वो दोनों टोड की लाश के पास जाते हैं। वहां पर वो दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि टोड ने सुसाइड नहीं किया था। वो ये भी बताता है कि मौत आने के लिए किसी एक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डेथ सबको एक खास किस्म के तरीके से मारती है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो प्लेन से उतरता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
था कि वो मौत से बच गए। एलेक्स और क्लेयर ये बातचीत करते हैं कि वो डेथ के नए डिजाइन को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि वो पहले भी उसको चीट कर चुके थे, इसीलिए वो दोबारा डेथ को चीट करना चाहते थे। बाय चांस सभी फ्रेंड्स आपस में मिल जाते हैं, लेकिन तभी एक बस एक लड़की को टक्कर मार कर जाती है, जिससे वो सभी लोग घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को नहीं टाला। तभी घर पर एलेक्स टीवी देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और किस पैटर्न से आगे बढ़ा था। वह उसके अकॉर्डिंग सीटिंग चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सबसे पहले टोड ने मरना था। वो डेथ के पैटर्न को समझ जाता है। टोड तो मर चुका था, इसलिए अगली बारी उसकी टीचर की थी। तब एलेक्स जल्दी से अपनी टीचर के घर जाता है और उसकी टीचर उसे खिड़की से देख रही होती है। उसकी टीचर को लगता है कि वो उसे मारने आया है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। जैसे ही पुलिस वहां आती है, वो एलेक्स को वहां देखते हैं और उससे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब वो उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा था। एलेक्स उनको सारी बातें बता देता है और कहता है कि अगली बारी उसकी टीचर की है। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो उसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ वह टीचर एक म्यूजिक चलाती है और ये वही म्यूजिक था जो कि उस दिन एयरपोर्ट में भी लगा हुआ था। फिर वो एक कप के अंदर चाय डालती है, लेकिन घबराते हुए उसे फेंक देती है। फिर उसके बाद वो उसमें बर्फ और कुछ ड्रिंक मिलाती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। फिर वो अपने कंप्यूटर के पास जाती है। उसके कप से लीक होता पानी कंप्यूटर में गिर जाता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। जब वो टीचर उससे चेक करती है तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है और कांच का टुकड़ा सीधा उसके गले में जाकर लगता है। देखते वहां पर आग लग जाती है। वह एक कपड़े को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको उठाने के दौरान एक चाकू उसके पेट में घुस जाता है। जब एलेक्स वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि टीचर काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एलेक्स उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक कुर्सी आकर टीचर के ऊपर गिर जाती है, जिससे चाकू और अंदर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी एलेक्स उसके पेट से चाकू निकाल लेता है। गैस ऑन होती है, जिससे एलेक्स जल्दी से घर से बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही घर में ब्लास्ट हो जाता है और उसका एक दोस्त उसको उस घर से निकलते हुए देख लेता है। उसके उस दोस्त के बयान से पुलिस एलेक्स को ढूंढने लगती है, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं होता। लेकिन क्लेयर जानती थी कि एलेक्स कहाँ पर मिलेगा, इसलिए वो अपनी सभी फ्रेंड्स को एलेक्स के पास ले जाती है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि अगली मरने की बारी किसकी है। वो लोग एलेक्स को एक जगह से पिक कर लेते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि लेकिन एलेक्स उन्हें बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि बताने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला था। एलेक्स के मना करने पर कार्टनर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मरना तो कंफर्म है, तो क्यों ना हम सभी मर जाएं। फिर वह कार को तेज चलाने लगता है और वह कार को रेल पटरी के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। यह देखकर एलेक्स और बाकी सब कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से नहीं निकलता। फिर वो सभी कार्टर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्टर भी सोचने लग जाता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। तभी कार्टर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वो कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक हो चुकी थी। लेकिन एलेक्स एक बार फिर से डेथ को चीट कर देता है और कार्टर को बचा लेता है, लेकिन तभी ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट कर देती है, जिससे उनमें से एक फ्रेंड के गले पर जाकर लगती है और उसका गला कट जाता है। अब यहाँ एलेक्स समझ जाता है कि अगर वो किसी की डेथ को चीट कर देता है तो वो स्किप होकर किसी और पर चली जाएगी। कार्टर बच चुका था, तो अब एलेक्स और क्लेयर
ही रह गए थे और अगली बारी एलेक्स की थी। वो खुद को क्लेयर के काबिन में लॉक कर लेता है और वो टेप से दरवाजे को चिपका लेता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि अगली बारी उसकी नहीं क्लेयर की है। क्लेयर एलेक्स की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो पुलिस को एलेक्स का पता बता देते हैं ताकि वो एलेक्स को सेव कर ले। एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन एलेक्स उनसे बचकर भाग जाता है। तभी क्लेयर के घर के बाहर एक बिजली की तार टूट जाती है। वो अपने डॉग को बचाने के लिए जाती है, तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और पानी में करंट फैल जाता है, लेकिन क्लेयर अपने डॉग को बचा लेती है। वो अपनी कार में बैठकर जल्दी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर फंस जाती है। तभी एलेक्स वहां पहुंच जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कार चारों तरफ आग लग जाती है और इलेक्ट्रिक तार कार के ऊपर पड़ी होती है, लेकिन इस बार भी एलेक्स डेथ को चीट करके क्लेयर को बचा लेता है। उसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लेयर कार्टर और एलेक्स पेरिस घूमने जा रहे थे। उन तीनों ने अपनी लाइफ को चीट कर दिया था। एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ और उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई। तभी एक आदमी वहां पर वही गाना गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर लगा था। एलेक्स को अजीब सा लगने लगता है और वहां से जाने लगता है। तभी क्लेयर देखती है कि वहां से बस आ रही है और वो एलेक्स को पीछे से आवाज लगाती है, जिससे वो बस के टकराने से बच जाता है। तभी वो बस एक खंभे से टकरती है और वो खंभा एक बोर्ड से टकराता है और वो बोर्ड एलेक्स की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी कार्टर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी वो बोर्ड कार्टर पर गिरने वाला होता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।